विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिनों से इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही थी। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से चल रही छापेमारी आज समाप्त हो गई है। इनकम टैक्स के हाथ कुछ खास चीज़ें नहीं लगा है। वहीं पर अगर बात करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय की, तो उनके घर जो छापेमारी चल रही थी वो दूसरे दिन ही समाप्त हो गई थी। राजीव राय का कहना था कि मेरे पास 17,600 रुपये और मेरे जो अन्य 4 जो कर्मचारी हैं जो मेरे यहाँ जो काम करते हैं उनके पास 50,000 रुपये, कुल मिला के 76,600 रुपये हमारे घर से बरामद हुआ था। तो वहीं पर अगर बात करें नीटू की, तो नीटू के घर लगभग 1,00,000 रुपये के करीब जो है नकदी मिला है और 400 ग्राम के करीब लगभग सोना जो है इनकम टैक्स के हाथ लगा है। तो लगातार 4 दिन जो है ये छापेमारी चली है। छापेमारी के दौरान कुछ खास चीज़ें इनकम टैक्स के हाथ नहीं लगी है। जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव होना है और ये नेता जो हैं जिन नेताओं के घर इनकम टैक्स के विभाग ने छापेमारी की है ये बेहद करीबी भी बताए जा रहे थे अखिलेश यादव के, तो ये कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मात्रा में पैसा और करोड़ों के जो है लगभग पैसा मिलेगा। तमाम जो है सोना और जो है सोना चांदी और हीरा मोती जवाहरात भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनकम टैक्स का हाथ पूरा का पूरा खाली रहा है। लगातार 4 दिन ये छापेमारी चली है। इस पर जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ये चुनावी स्टंट है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले कुछ भी कर सकती है। अभी तो छापेमारी हुई है, अभी ईडी भी भेज सकती है, वो जो है एसटीएफ भी हमारे नेताओं के पीछे लगा सकती है। तो लगातार जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने नेताओं के बचाव में भी बोलते नजर आए। उन्होंने कहा है, वहीं पर उन्होंने जो है पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ बताया था कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो अनुपयोगी मुख्यमंत्री हैं। तो तमाम जो है उन्होंने जमकर उस जो है पत्रकारों से बातचीत करते हुए जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला भी बोला था। तो वहीं पर अखिलेश यादव ने साफ कहा था कि जो समाजवादी नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ये जनता के बीच में जाने वाले लोग हैं, ये उद्योगपति नहीं हैं। इनके घर से 4 दिन क्या लग महीनों अगर छापेमारी करेगी तब भी जो है इनकम टैक्स के हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। तो वहीं पर ये साफ हो गया है कि लगातार 4 दिन के छापेमारी के बाद जो है इनकम टैक्स का हाथ पूरा का पूरा खाली रहा है। लगभग 1 दर्जन के करीब ऐसे नेता थे जिनके जो है घरों पे जो इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की थी। तो लगातार जो है ये छापेमारी चल रही थी। आज 4थे दिन ये छापेमारी समाप्त हो गई है। जो सपा के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव राय, उनके घर 2रे दिन ही समाप्त हो गई थी। तो वहीं जनेंद्र यादव के घर आज छापेमारी समाप्त हुई है। नीटू यादव के घर आज जो है छापेमारी जो है समाप्त हुई है। तो लगातार इस छापेमारी से इनकम टैक्स का हाथ जो है एकदम खाली रहा है। ना तो ज़्यादा संख्या में पैसे मिले, ना ही कोई हीरा मोती जवाहरात भी इनकम टैक्स को वहाँ से बरामद हुआ है। तो अखिलेश यादव ने लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को चाहे ट्वीट करके हो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है उन पर जमकर निशाना भी बोला है कि अब विधानसभा चुनाव से पहले ये जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर छापेमारी हो रही है, ये छापेमारी और भी बढ़ेगी। और जो जैसे जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा था कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तमाम अधिकारियों को भी उन्होंने जो है चिन्हित किया था कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बंद कमरे में 2022 के विधानसभा चुनाव में जो है मिलकर ये उत्तर प्रदेश में जो है जनता को गुमराह करने की भी कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। तो अखिलेश यादव का साफ कहना था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आज ये छापेमारी समाप्त हो गई है और छापेमारी में कुछ खास नहीं हाथ लगा है इनकम टैक्स के हाथ। लखनऊ से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए कृष्णा मोहन मिश्रा।